कुछ ही दिनों पहले की बात है, लखनऊ के एक चौक पर एक रोड रेज की घटना हुई। इसमें एक लड़की ने एक कैब ड्राइवर में इतने थप्पड़ मारे जितने WWE में बिग शो ने रे मिस्टीरियो में नहीं मारे होंगे। इस लड़की को तो इंटरनेट पर लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा ही, लोगों ने फेमिनिज्म पर भी काफी सवाल उठाए। इनफैक्ट आप कोई भी कंट्रोवर्सी ले लो, चाहे बैंगलोर में वो ब्यूटी इन्फ्लुएंसर वाली कंट्रोवर्सी हो, या नेहा धूपिया का कोई स्टेटमेंट हो, या ये लखनऊ वाली कंट्रोवर्सी हो, जब भी कोई अक्यूज्ड एक लड़की होती है, फेमिनिज्म को हमेशा कटघरे में खड़ा किया जाता है। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूं। और आज की अदालत में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। ये पागल है फेमिनिज्म पर बात करेगा, लेफ्ट साइड से जूते पड़ेंगे, राइट साइड से जूते पड़ेंगे, पिछवाड़े का गुंबद बन जाएगा। देखो आई नो काफी सेंसिटिव टॉपिक है, तुम्हारा भाई यहाँ बहुत डेंजर में है, स्पेशली एज अ गाय फेमिनिज्म पर बात करना काफी रिस्की है, क्योंकि अगर जाकिर भाई की भाषा में बोलूं तो अगर आप थोड़ा सा इधर हुए तो आप मिसोजिनिस्ट, और थोड़ा सा उधर हुए तो सिंप तो आप थे ही। देखिए किसी भी चीज के बारे में ओपिनियन बनाने से पहले उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इससे पहले आप फेमिनिज्म पर बोलो कि अरे सब वेस्टर्न एजेंडे हैं, ये फेमिनिज्म जे सोशलिज्म मार्क्सिज्म जो भी इज्म सब पाश्चात्य संस्कृति। इससे पहले आप ये भाई साहब बनो, आपको ये समझना जरूरी है कि दरअसल फेमिनिज्म एक्चुअली में है क्या और इसके मायने क्या है। ट्विटर सेलेब्स में एक डिबेट का टॉपिक होने के अलावा फेमिनिज्म है क्या? देखिए अगर थियोरेटिकल टर्म्स में बात करूं तो फेमिनिज्म एक वो विचारधारा है जिसे नारीवाद भी कहते हैं हिंदी में, जो अक्रॉस जेंडर स्पेक्ट्रम एक इक्वालिटी की बात करती है। इट्स अ थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस, यानी कि हर वो व्यक्ति जो अपने आप को फेमिनिस्ट मानता है उसके मुताबिक महिलाओं को और पुरुषों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए और बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, यानी कि इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। अच्छा ये समझना जरूरी है कि नारीवादी समानता नहीं बल्कि बराबरी की बात करते हैं। दोनों अलग अलग होते हैं, थोड़ा सा अंतर है, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आप समझ जाओगे। अरे कोई क्वालिटी फिक क्वालिटी नहीं, सब ट्विटर बाजी है। पहले के तो जमाने में तो नहीं होता था कोई फेमिनिज्म, ये जब से फोन आ गया ना तब से आया ही फेमिनिज्म। एक्चुअली ये काफी मिसअंडरस्टूड धारणा है, फेमिनिज्म कोई 21st सेंचुरी कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप इतिहास के पन्ने टटोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि फेमिनिज्म की शुरुआत सैकड़ों साल पहले भी हो चुकी थी। हिस्टोरिकली फेमिनिज्म 4 वेव्स में आया था। बोली रहा हूं पेंडेमिक है। अब देखो पहले क्या होता था ना कि वर्ल्ड ओवर समाज में महिलाओं की जो स्थिति थी वो काफी खराब थी, इतना कि उन्हें इंसान बाद में समझा जाता था, प्रॉपर्टी पहले। फिर जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ा हालत थोड़ी सुधरना शुरू हुई। जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म था वो आया था लेट 19th सेंचुरी में, जहां महिलाओं ने बेसिक ह्यूमन राइट्स की डिमांड की थी, यानी कि वोटिंग राइट्स, रिप्रोडक्टिव राइट्स, ऐसी कुछ मांग थी जो महिलाओं ने की फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में। नाउ होल्टी टाइम्स ये वो समय था जब रेसिज्म बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था, तो ये जो हक मांगे गए थे ये व्हाइट वुमेन के लिए ज्यादा मांगे गए थे, यानी कि जो श्वेत महिलाएं थी उनके लिए हक मांगे गए थे। जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म था वो आया था 1960 के आसपास, जब वोटिंग राइट्स थे, जब बेसिक ह्यूमन राइट्स थे, लेकिन फिर महिलाओं ने जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं उनको क्वेश्चन किया और उन्होंने लीगल और सोशल इक्वालिटी की बात की। अच्छा पहले ना ये बहुत कॉमन नोशन था कि जो महिलाएं हैं उनकी जगह किचन में ही है, और जो पुरुष हैं, जो मेल है, द मेल मेंबर इज सपोज टू बी द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। तो फेमिनिस्ट ने इस धारणा पर सवाल उठाया। सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में नारीवादियों ने सवाल उठाया कि भाई लड़कियां ही क्यों चूल्हा चौका करती हैं, ये काम तो मर्द भी कर सकते हैं। और इसी बात को साबित करने के लिए उस समय जन्म हुआ लॉर्ड संजीव कपूर का, जिन्होंने साबित किया कि ना सिर्फ मर्द किचन संभाल सकते हैं, उससे अपना करियर भी बना सकते हैं। जस्ट किडिंग, मूविंग ऑन। फिर जो तीसरी वेव ऑफ फेमिनिज्म आई उसने जेंडर आइडेंटिटी पर सवाल उठाए, यानी कि जो सोसाइटी के परसीव नोशंस थे मेल्स और फीमेल्स को लेकर, फॉर एग्जाम्पल मेल जो मेंबर है उसको टॉल, डार्क, हैंडसम, स्ट्रांग एंड इमोशनली अनअवेलेबल होना चाहिए, और जो लड़की है, जो फीमेल है, उसको खूबसूरत, छुई मुई, इमोशनली वनरेबल और सारे फेमिनिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो वाला होना चाहिए। तो ये जो दोनों जेंडर के परसेप्शन है ना, इन पर सवाल उठाया गया कि नहीं, लड़की अगर चाहे तो एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी भी रख सकती है, और लड़का अगर चाहे तो वो खुलकर रो भी सकता है, उससे उसकी मर्दानगी पे कोई आंच नहीं आ रही। और जो फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म आई वो आई इंटरनेट के आने के बाद, जिसमें उन मुद्दों पर बात होने लगी जिनके बारे में आप आज सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं, जैसे कि सेक्सिज्म, रेप कल्चर, बॉडी शेमिंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट, इन सारे मुद्दों पर बात होने लगी। अब तक स्प्राइट माफिक सब क्लियर? अच्छा फेमिनिज्म के ना कई सारे प्रकार भी होते हैं। ले आओ, ये अपने आप में ही डिवाइडेड है।
अरे सुन तो लो, मोटा मोटा क्लासिफाई किया जाए तो तीन तरीके के फेमिनिज्म होते हैं। सबसे पहले आया लिबरल फेमिनिज्म, जो पॉलिटिकल और लीगल इक्वालिटी की बात करती है। फिर आया सोशलिस्ट फेमिनिज्म, जिसने कहा कि सिर्फ पॉलिटिकल और लीगल नहीं, समाज में महिलाओं को इकोनॉमिक इक्वालिटी और इकोनॉमिक फ्रीडम भी उतना ही जरूरी है। और आखिरी में है न्यू फेमिनिज्म, जो कहता है कि सिर्फ पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिक नहीं, हर तरीके से महिलाओं को बराबरी का हक मिलना चाहिए। तो ये थे फेमिनिज्म के हिस्टोरिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट। अगर अभी भी आप इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रखे हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं। अच्छा, आप में से कई लोग मेरी बातों का उतना विश्वास नहीं मानोगे, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ प्रिविलेज एंड आई अंडरस्टैंड दैट। इसलिए फेमिनिज्म को और अच्छी तरीके से समझने के लिए मैंने बात की कविता कृष्णन जी से। शी इज द सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन, ये एक जानी मानी वुमेन राइट एक्टिविस्ट है और एक फेमिनिस्ट भी है। तो मैंने इनसे बात की और मैंने फेमिनिज्म के कई सारे एस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश की। देयर इज अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट to feminism, ये कई सारे waves में आया था, then there are many types of feminism. So for a like newbie, information gets very overwhelming. So you being a feminist, क्या आप बता सकते हैं कि feminism के like when you call yourself a feminist, आप किन core principles के लिए stand करते हैं और feminism ideology के मायने क्या? Feminism is the radical idea that women are human. Okay. तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली वुमेन भी इंसान है और ये कहना पड़ता है इसलिए क्योंकि योर एंटायर सोशल स्ट्रक्चर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिविजुअल मेन और इंडिविजुअल वुमेन डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट वुमेन, इट्स योर एंटायर सोशल स्ट्रक्चर, द वे योर सोसाइटी स्ट्रक्चर इज दैट इट बेसिकली एक्सप्लॉइट्स एंड ओप्रेसेस women as well as anybody who does not identify as a man, right? So that is what we talk about. And it's about asserting a dignity for women, first accepting that there is inequality and that inequality is not God-given, it is not natural, and that equality is possible, liberation from the shackles is possible. That's what it means. चलो थोड़े सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपको लेके जाया जाए। जो नारीवादी होते हैं, जो फेमिनिस्ट होते हैं, उनका मानना है कि जो भी समाज में महिलाओं की पोजीशन है उसकी एक बड़ी वजह है पेट्रियार्की, यानी कि पितृसत्ता। क्या क्या क्या, किसकी पेट्रियार्की? अगर साफ साफ शब्दों में बताऊं तो पेट्रियार्की एक सोसाइटल स्ट्रक्चर है, ये समाज की एक ऐसी व्यवस्था है जहां जो पावर है वो पुरुषों के हाथ में होता है और महिलाएं जीवन के हर पहलू में किसी ना किसी प्रकार से पुरुषों पर डिपेंडेंट होती हैं। अंग्रेजी में बोलूं तो पेट्रियार्की लीड्स टू अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। और फेमिनिस्ट मानते हैं कि क्योंकि पेट्रियार्की की वजह से जो पावर है वो पुरुषों के हाथ में होती है, इसलिए महिलाओं को शोषण का सामना करना पड़ता है। इन योर बुक लाइक स्पेशली इन चैप्टर 2 एंड 4 यू एक्सटेंसिवली टॉक अबाउट द प्रेवलेंस ऑफ पेट्रियार्की इन द सोसाइटी, पितृसत्ता जिसे हिंदी में कहते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं एक लेमन के लिए कि पेट्रियार्की होती क्या है और उसकी वजह से समाज में महिलाओं का जो पोजीशन है वो कैसे इफेक्ट होता है? बेसिकली इट्स अ सिस्टम हाउएवर दैट फॉल्सली डिस्क्राइब्ड सोसाइटी, इट टेल्स यू वुमेन आर लाइक दिस, मेन आर लाइक दिस, दीज आर द जॉब्स वुमेन आर अलाउड टू डू, दीज आर द जॉब्स मेन आर सपोज्ड टू डू, एंड बेसिकली इट इज अ सिस्टम दैट लेजिटिमाइजेस एंड जस्टिफाइज द ओप्रेशन ऑफ वुमेन. You know, what we accept as two binaries, man, woman, that is something today we know scientifically is not even true, you know. So biological man, biological woman, gendered man, gendered woman, these are just two points on what is a spectrum of sexual identity and gender identity. So aapne bhi kaha ki patriarchy se purushon ko bhi utna hi zyada harm hota hai jitna mahilaon ko hota hai, ya kuch star par to hota hi hai. तो हाउ डज दैट हैपन, लाइक पेट्रियार्की जो एक नोशन है कि इसकी वजह से, सिस्टम की वजह से पुरुषों को ज्यादा फायदा होता है, वही सिस्टम पुरुषों को कैसे असर करता है? आप सोचिए कि हमारे सोसाइटी में जो किसान आत्महत्या करते हैं, वो आत्महत्या हमने देखा है कि इस पे जिन जो रिसर्च नारीवादियों ने किया है, जैसे रंजना पाढ़ी की किताब है पंजाब पर, उससे पता चलता है कि ज्यादातर किसान के आत्महत्या का जो फाइनल कारण है, हाँ किसानी में उनको बहुत सारा ऋण चुका नहीं पा रहे वगैरह, लेकिन वो बेटी की शादी में दहेज नहीं दे पा रहे,
इस वजह से वो आत्महत्या कर रहे हैं, एक ग्लानी महसूस कर रहे हैं, एक शेम महसूस कर रहे हैं। ये सिर्फ पंजाब का है या फिर और भी? नहीं, ये स्टडी पंजाब का है, ये स्टडी पंजाब का है, लेकिन मैं बाकी जगह की स्टडी नहीं कह सकती। लेकिन पंजाब के उदाहरण में मुझे, मेरा इंस्टिंक्ट कहता है कि अगर पंजाब में जहां दहेज प्रथा बाकी जगहों से थोड़ा बहुत कम है बल्कि, हाँ, तो वहां हाँ, अगर ये स्थिति है तो शायद बाकी जगह और भी ज्यादा होता होगा। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इससे ये नहीं होता कि भाई किसानों का और शोषण नहीं हो रहा, उनका कैपिटलिज्म से शोषण नहीं हो रहा, हो रहा है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा चीज है, एक जहां पर उनके उनको एक पितृसत्तात्मक बर्डन दिया जा रहा है कि बेटी का ब्याह कराना आपका वो है राइट, आपका ड्यूटी है और आपको उसमें दहेज देना है, नहीं करा पा रहे तो आप मर्द नहीं है, ठीक है। और जो जिस तरह की गालियां दे दिए जाती हैं पुरुषों को, जिसमें नामर्द होना एक ये होना, तो एक नामर्द होने के नाते, मैं तो मर्द नहीं हूं, मैं नामर्द होने के नाते कहती हूँ कि मैं नामर्दी में इतना शर्म क्या है, इसमें इतनी गलत चीज क्या है, चूड़ी पहन रखा है आपने तो चूड़ी पहन रखने में क्या दिक्कत है, चूड़ी पहन रखने से क्या कोई कम कमजोर हो जाता है, कोई जो है कम सच बोलने लगता है, क्या मामला है? फेमिनिज्म के अगेंस्ट ना आपको एक आर्ग्यूमेंट हमेशा सुनने को मिलेगा कि जो फेमिनिज्म है वो पहले के जमाने में ठीक था, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब सब मॉडर्न है, सबको इक्वालिटी का हक है, इसीलिए फेमिनिज्म की उतनी जरूरत नहीं है। सो इज देयर अ नीड फॉर फेमिनिज्म? फेमिनिस्ट का मानना है कि हाँ, आज भी हमारे समाज में महिलाओं को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, खासकर हमारे देश में। दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, ये कुछ ऐसे सोशल इश्यूज हैं जिसकी विक्टिम आज भी महिलाएं ही होती हैं ज्यादातर, और जो फैक्ट्स हैं वो भी इससे इत्तेफाक रखते हैं। पिछले साल आए यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की एक रिपोर्ट ने बताया कि अपने जीवन में हर तीन में से एक लड़की कभी ना कभी फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस का सामना करती है। और सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, अगर आप वर्क प्लेसेस में भी देखें तो महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव होता है। अनइक्वल पे तो एक फैक्टर है ही, उसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स हैं। सिर्फ यही नहीं, ऐसी कई सारी फील्ड्स हैं जहां महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर आप रिप्रेजेंटेशन को ले लीजिए, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि सिर्फ 23% ऐसी मूवीज होती हैं जिसमें एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट यानी कि जो मेन किरदार है वो एक महिला का होता है। और ये डिफरेंस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है बॉलीवुड मूवीज में, जहां फीमेल कैरेक्टर्स को आई कैंडी बनाकर उनसे छोटा मोटा आइटम नंबर या डांस नंबर करवा दिया जाता है मूवी में, जिसका कभी कभी बिल्कुल सेंस नहीं बनता। अगर आप पे गैप की बात करें तो जो एक्ट्रेसेस होती हैं उनको एक्टर से 10 से 11 गुना कम पेमेंट मिलता है। हालांकि इस सिचुएशन में धीरे धीरे सुधार आ रहा है, बॉलीवुड में भी अब कई सारी एक्ट्रेस हैं जिन्हें एक्ट्रेस के बराबर पे किया जाता है। और हाल ही में अनुपमा जो टीवी सीरियल है उसमें अनुपमा को प्ले करने वाली रूपाली गांगुली हाईएस्ट पेड टीवी एक्ट्रेस बनी थी। तो धीरे धीरे सिचुएशन सुधर रही है, लेकिन अभी भी एक लंबा सफर करना बाकी है। कंपेयर टू द मेल्स, ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ये इम्प्लिसिट होता है, यानी कि जो हम डिस्क्रिमिनेशन रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे होते हैं हमें पता ही नहीं होता है कि ये गलत है, क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया, क्योंकि हमें हमेशा से सिखाया गया है कि यही नॉर्मल है। आप अपने घर का पर्सनल एग्जांपल ले लो, हम में से कितने हैं जो खाना खाकर थाली भी सिंक में नहीं रखते क्योंकि हमें लगता है ये तो मम्मी रख देंगी, ये तो उन्हीं का काम है, जबकि हमको ये रियलाइज नहीं होता कि दरअसल ये अनपेड लेबर है जो हमारी माताएं और बहनें कर रही हैं हमारे घर में। हाल ही में एक नेता का कमेंट आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि महिलाएं क्योंकि अपने आप को ढकती नहीं है इसलिए उनके साथ क्राइम ज्यादा होता है। मैंने अपने एपिसोड में इसके बारे में बात की थी, लेकिन कमेंट में कई लोगों ने इस नेता के स्टेटमेंट को सपोर्ट भी किया था, क्योंकि अपने घर में महिलाओं की सेफ्टी कौन नहीं चाहता। सही तो बात है, अरे शर्म जो है औरत का गहना होता है, अब ये फटी जींस पहन के बाहर जाएंगी तो फिर लड़के हैं गलती हो जाती है। पर हम ये रियलाइज नहीं करते कि जब हम एक महिला की सुरक्षा को उसके कपड़े और उसकी चॉइसेस से तोलने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसकी आजादी भी छीन रहे होते हैं। मैम, आपने अपनी किताब में कहा है दैट सोसाइटीज आइडिया ऑफ वुमेन सेफ्टी इज एक्चुअली अ वे ऑफ कर्बिंग देयर ऑटोनॉमी, राइट, कि जो महिलाओं को उनकी सुरक्षा, महिला सुरक्षा का जो आइडिया है उसकी उसके जरिए उनकी आजादी को पैरोक लगाई जाती है। और आपने एग्जांपल दिया है, आपने खाप पंचायत का एग्जांपल दिया है, आपने ऑनर किलिंग्स का एग्जांपल दिया है, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जो गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं उनका एग्जांपल दिया है। तो मेरे व्यूअर्स के लिए आप बता सकते हैं कि ऐसा कैसे होता है कि महिला सुरक्षा के नाम पर महिलाओं की ही आजादी छीनी जा रही है, ये कैसे हो रहा है? इसमें क्या होता है कि सुरक्षा कोड है कि सुरक्षा के नाम पर मानो कोई घटना हो जाती कहीं बाहर बलात्कार,
बलात्कार की घटनाएं ज्यादा घरों में होती है, ज्यादा अपनों द्वारा होती है, लेकिन स्ट्रेंजर रेप की एक घटना कहीं हो जाए तो उसके जरिए ये हो जाता है कि लड़कियों के हॉस्टल की कर्फ्यू कम कर दो, घर को घर के अंदर से बाहर मत जाने दो, कॉलेज उसको छोड़ो और कॉलेज से पिकअप करके वापस लाओ, या उसका कॉलेज जाना ही बंद कर दो, वगैरह वगैरह वगैरह। लड़कियों के साथ ये डेली होता है, यानी ये हो जाता है कि उनकी अपनी आजादी छीनी जाती है और ये उनको बताया जाता है कि ये तो आपकी सुरक्षा के लिए, और वो बताती ही रह जाती है कि इससे हम सुरक्षित नहीं होते, हमारे तो कॉलेज के अंदर ही हमारे साथ बलात्कार हो सकता है, ठीक है, हमारे तो घर के अंदर ही हो सकता है, हो रहा हो। ये सुनने वाला, हम पर यकीन करने वाला, हमको सपोर्ट करने वाला, मेरे साथ अगर बलात्कार हो तो इसकी वजह से मेरी पढ़ाई बंद ना करने वाला, ऐसे लोगों की हमको जरूरत है। तो सुरक्षा के पीछे क्या क्या चीजें हैं, क्या सचमुच में हम उनकी आजादी की सुरक्षा करना चाहते हैं, उस आजाद महिला का फुल आजादी के साथ सुरक्षा करना चाहते हैं, या सुरक्षा के नाम पर हम बंधन लगाना चाहते हैं। अच्छा, एक नया एस्पेक्ट जिसको लेकर कोई रिलेट करे ना करे लेकिन मिलेनियल जरूर रिलेट करेंगे, वो है ये बगल वाली नेहा मेरे को ऑल मेन ड्रेस क्यों बोल के गई, मैं क्या किया, नॉट ऑल मेन। अगर आपने फेमिनिज्म के बारे में कभी कुछ पढ़ा नहीं है और इस टॉपिक के बारे में आप जितना भी जानते हैं वो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं, तो नॉट ऑल मेन और ऑल मेन अ ट्रैश की डिबेट से आपका पाला तो पड़ा ही होगा। तो फिर क्या मसला है, क्या ये महिलाएं मानती हैं कि जो सारे मेन हैं वो डॉग्स हैं, और अगर ऐसा है तो फिर भाई पूरी ब्रीड भी बताओ ना, क्योंकि कुछ लड़कों की तो पर्सनैलिटी ट्रेट पूरी यही है कि वो देसी है, उनको अगर आप फिर जर्मन शेपर्ड बोलोगे तो उनका बुरा मान जाएंगे ना। बोलो ऑल मेन वर्सेस नॉट ऑल मेन, ये बहुत बड़ा आजकल जो है खासकर की यंग जनरेशन काफी इस बात पे डिबेट करती है कि कोई फेमिनिस्ट आके यहाँ से बोलेगा कि ऑल मेन, और फिर कहीं से ना कहीं से कोई आके बोलेगा कि नॉट ऑल मेन, और मैं कभी नहीं समझ पाया कि भाई क्या है ये ऑल मेन और नॉट ऑल मेन की डिबेट क्या है। तो आप बता सकते हैं कि जब फेमिनिस्ट कहते हैं ऑल मेन तो उसका क्या मतलब होता है, क्योंकि मतलब मी जिसको कुछ नहीं पता मैं कहता भाई मैंने क्या, तो क्या है इसके इस डिबेट के मायने क्या है। दरअसल ये बहुत एक फ्रस्ट्रेटिंग सी चीज है ये रिस्पॉन्स नॉट ऑल मेन वाला, इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से पोज करके देखती हूँ। मैं बोलूंगी कि ऑल वुमेन, कोई भी औरत, उसको जो है यौन शोषण का या मैंने सेक्सुअल हरासमेंट का या सेक्सुअल वायलेंस का अनुभव है, डोमेस्टिक वायलेंस का अनुभव है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का अनुभव है, ऑल वुमेन, तो ऑल वुमेन को अनुभव है, तो इसका मतलब उन हर महिला के जीवन में कोई ना कोई पुरुष जरूर रहा है जिसने उनके साथ इस तरह का गलत व्यवहार किया है। आप सोचिए कि वो रिस्पॉन्स आता कहां से है, नॉट ऑल मेन, कि आप अपने हर व्यक्ति जो उस चीज को कहता है, हर पुरुष वो अपने बारे में कोई सवाल एंटरटेन नहीं करना चाहता, वो सोचता है मैं परफेक्ट हूं। तो कहीं ना कहीं अच्छे से अच्छे पुरुष में भी हो सकता है कहीं महिलाओं के बारे में कोई सोच जो है वो कहीं पर माने एक तरह से अनएग्जामिन्ड बायस जिसको कहते हैं ना, जिस पूर्वाग्रह है हमारा लेकिन हमने उसको अभी तक पहचाना नहीं है। और ये चीजें हम सब में होती है, सब में होती है, महिलाओं में भी होती है, जिसको कभी कभी एक ऐसा लाइट बल्ब मोमेंट आता है जब आपको लगता है कि अरे ये तो मैंने गलत सोच दिया और हमको आज ही रियलाइज हुआ। तो नारीवादी भी, फेमिनिस्ट भी इसमें नए नए रियलाइजेशन पे पहुंचते हैं, नई नई चीजें अपने बारे में समझते हैं। तो पूर्वाग्रहों को एग्जामिन करते रहना, खुद से सवाल पूछते रहना, मैं ही सबसे अच्छा हूं ना सोचना, ये महिलाएं तो करती हैं, नारीवादी सबसे ज्यादा खुद से करती हैं, पुरुष भी, पुरुषों को भी करना चाहिए। देखिए, अगर अमिताभ बच्चन वाला छोड़ दे तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, फेमिनिज्म के भी दो पहलू हैं, और वो ये है कि हालांकि फेमिनिस्ट बोलते हैं कि फेमिनिज्म का कोर जो प्रिंसिपल है वो इक्वालिटी है, लेकिन ग्राउंड पर इस चीज का कंसेंसस नहीं बन पाता, खासकर राइट विंग की तरफ से फेमिनिज्म को काफी रेजिस्टेंस मिलता है। कुछ लोगों का मानना है कि फेमिनिज्म दरअसल इक्वालिटी की नहीं बल्कि सुपीरियोरिटी ऑफ वुमेन की बात करता है, फेमिनिज्म की आड़ में उनके संस्कार और उनकी सभ्यताओं को ठेस पहुंचती है, और तर्क ये दिया जाता है कि फेमिनिज्म की आड़ में लड़कों के साथ भेदभाव होता है, कि भाई जब कोई भी विक्टिम लड़की हो तो सब लोग उसकी आवाज उठाते हैं, लेकिन वहीं अगर कोई लड़का विक्टिम हो तो सब लोग चुप बैठ जाते हैं। ये फेमिनिज्म वाली छोरियां ये लड़कों के दुश्मन होती हैं,
ये गलती लड़की की होती है, फर्स्ट लड़का जाता है और फिर बाद में फेमिनिस्ट कार्ड, जिसको ये लोग कहते हैं सूडो फेमिनिज्म। और इसके कई सारे एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि दिल्ली के सरबजीत सिंह का केस आपको याद होगा। 2015 में इन पर एक डीयू की स्टूडेंट ने आरोप लगाया था कि ट्रैफिक में फंसे होने के दौरान इन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूरे देश भर ने इनको परवर्ट बोल दिया। 4 साल तक केस चला, इनको पर्सनल लाइफ में काफी ज्यादा जिल्लत और प्रोफेशनल लाइफ में काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा, और उसके बाद कोर्ट ने इनको क्लीन चिट दे दी और ये इनोसेंट साबित हुए। इनफैक्ट एक रिसर्च ने यह भी पाया कि कुछ लोग अपने आप को फेमिनिस्ट सिर्फ इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनको लगता है कि इस टर्म का मतलब है हेट्रेड टुवर्ड्स मेन। फेमिनिज्म एट इट्स कोर स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी, एम आई राइट? ठीक है, एब्सोल्युटली। तो मैं जब इन लोगों से बात करता हूं तो क्या आप मतलब जेंडर इक्वालिटी में विश्वास रखते हैं, तो उनका जवाब आता है कि हाँ भाई हम रखते हैं। पर हम जब कहते हैं कि क्या फेमिनिज्म में विश्वास रखते हैं, तो उनका हो जाता है कि नहीं 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 फेमिनिज्म नहीं फेमिनिज्म। तो उनका जवाब आता है कि कहीं ना कहीं फेमिनिज्म अकॉर्डिंग टू देम स्टैंड्स फॉर सुपीरियोरिटी ऑफ द वुमेन। तो अगर इक्वालिटी है तो ये लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं नैरेटिव में प्रॉब्लम है? नहीं, नैरेटिव में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि एक काउंटर नैरेटिव है ना। नैरेटिव हाँ। तो भाई फेमिनिस्ट जो होती हैं वो महिलाओं के बीच में काम करती हैं, महिलाओं का कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं, और हमारे पास कहाँ ऊर्जा बचेगी कि जितना ऊर्जा जितनी ऊर्जा बचती है उसमें भाई समाज से हम बात करते हैं। लेकिन हमारे हाथ में तो मीडिया नहीं है, हमारे हाथ में तो इतनी सत्ता नहीं है कि नैरेटिव हम बनाते चलें, ठीक है। तो विरोध में नैरेटिव बहुत तेजी से बहुत जल्दी बनता है, और उसके पीछे बहुत सारी सत्ता, बहुत सारा पैसा, ये हमेशा से रहा है, आज से नहीं। तो मैं आपको दो उदाहरण देना चाहती हूँ कि इक्वालिटी के मामले में, ठीक है। एक उदाहरण ये है कि एक नई किताब है रुक्मिणी एस के नाम से है, जिसका जो भारत में डेटा पर है, ठीक है, कि आप देखेंगे रुक्मिणी एस और डेटा, आप सर्च करिए तो उसका आपको टाइटल मिल जाएगा। तो उसको देखिएगा तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने वो डेटा के जरिए भारत को समझने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो भारत में उन्होंने देखा कि स्टडीज में डेटा द्वारा पाया गया है कि ज्यादातर पुरुषों से आप पूछिए, मैंने पुरुषों से पूछा गया और महिलाओं से पूछा गया कि आपके साथ जेंडर के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। कम महिलाएं बोली कि उनके साथ हुआ है। तो महिलाओं को नहीं लगा, महिलाओं को जल्दी पहचान में नहीं आया कि उनके साथ हो रहा है। वेरी सरप्राइजिंग, बहुत सारे बहुत सारे पुरुषों को लगा कि हमारे साथ हो रहा है। तो इसको थोड़ा समझिए, महिलाओं के साथ हो रहा है ये तो अगर आपकी आंखें खुली हैं, अगर आपने दिमाग की बत्ती बंद नहीं कर रखी है तो ये तो देख रहा है चारों तरफ ना, डेली जीवन में आप किसी महिला से पूछिए। लेकिन कहीं ना कहीं उसको इतनी कॉन्फिडेंस नहीं लग रही है कि वो बोले कि मेरे साथ, क्योंकि वो बहुत सारे उसके साथ मारपीट भी हो रहा है महिला के साथ। तो महिला कह रही है पुरुष का तो अधिकार है पीटना अपनी पत्नी को, गलती मेरी रही होगी। इनफैक्ट आपने अपनी किताब में एक जगह एक डेटा भी सोर्स किया है जिसमें मतलब मोस्ट वुमेन बिलीव कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस इज करेक्ट। तो जब उसको सही लग रहा है वो, तो जाहिर सी बात है कि उसको नहीं लगने वाला कि कहीं उसके साथ में गलती हुई है, और इतनी गलती हुई है कि वो बोल सकती है कि ये गलत है मेरे साथ। तो पुरुषों को जबकि लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है जेंडर के आधार पर। नारीवाद को लेकर के अक्सर मैंने देखा है कि एक बहुत पॉपुलर लिबरल यूट्यूबर हैं या जो भी हैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, जो कहते हैं कि देखिए फेमिनिज्म अपने आप को फेमिनिज्म क्यों कहती है, वो अगर अपने आप को ह्यूमनिज्म कहती, ब्लैक लाइव्स मैटर अपने आप को ब्लैक लाइव्स मैटर ना कहती और उसकी जगह वो जो है वो ह्यूमन लाइव्स मैटर कहती तो बेहतर होता, क्योंकि फेमिनिज्म से बू आती है कि इसका मतलब इट्स अगेंस्ट मैन। लेकिन दरअसल ये सच्चाई है नहीं। देखिए जैसा कि मैंने कहा भाई, यू नो सोसाइटी ऑलरेडी सेज दैट मेन्स लाइव्स मैटर, दैट मेन हैव, दैट पुरुषों को बहुत सारी चीजों का प्राधिकार है, ठीक है, हमारा अधिकार है कि हम लोगों की हमें ये चीजें मिले, हमें बीवी मिले जो ये चीजें करेगी हमारे घर पे, ये सारे काम जो है मुझे नहीं करना पड़ेगा, कोई और करेगा, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें तो समाज में ऑलरेडी हैं। पुरुष जो है उनसे नहीं पूछता कोई कि आप बाहर रात में क्यों निकले हुए हैं, जरूर आपके चरित्र में कोई खोट होगा तब आप निकले हुए हैं, ठीक है। पुरुषों के साथ ज्यादातर, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि कभी नहीं,
लेकिन पुरुषों के साथ जिस तरह से महिलाओं को बलात्कार का भय होता है, वो भय उस रूप में पुरुषों के साथ हर क्षण हर जगह हर तरह के रिश्ते में उस तरह से नहीं रहता उस लेवल तक, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, इनको अगर हम समझें तो हम चाहते हैं कि फेमिनिज्म मीन्स वुमेन आल्सो मैटर, ब्लैक लाइव्स मैटर डजंट मीन ओनली ब्लैक लाइव्स मैटर, इट मीन्स वेल सोसाइटी ऑलरेडी सेज दैट व्हाइट लाइव्स मैटर, ब्लैक लाइव्स आल्सो मैटर, राइट, इट मीन्स सो इट्स अ वे ऑफ बैलेंसिंग द स्केल्स। इट्स लाइक ऑन द यूक्रेन ट्रेन, ओके, इट्स लाइक ऑन द यूक्रेन ट्रेन कि जो काले नस्ल के हैं, जो इंडियन नस्ल के हैं या अफ्रीकन है या अफगानी है, उनसे कहा जा रहा है मत नहीं चढ़ने देंगे, सफेद नस्ल के लोगों को पहले चढ़ने देंगे। तो दैट मीन्स दैट यू नो यू आर वैल्यूइंग द व्हाइट स्किन मोर देन यू आर द ब्लैक स्किन द ब्राउन स्किन, राइट। सो आप कहना चाह रहे हैं कि इनको भी उतना ही तवज्जो दीजिए, उतना ही गिनिए, उतना ही वेट दीजिए जितना आपने सफेद नस्ल के लोगों को दे रखा है। कुछ ही साल पहले आपको याद होगा आया था मीटू मूवमेंट, जिसे फेमिनिज्म के इतिहास का एक काफी बड़ा चैप्टर माना जाता है। मीटू मूवमेंट से भी फेमिनिज्म के टॉपिक के बारे में काफी कुछ समझा जा सकता है, जहां कई सारी लड़कियां इस मूवमेंट के दौरान अपने ट्रॉमास के साथ, अपने सेक्सुअल हैरेसमेंट की स्टोरीज के साथ बाहर आई, कई सारे ऐसे सेक्सुअल प्रेडिटर्स थे जिनके बारे में लोगों को पता चला, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी एक दो स्टोरीज भी निकली जो आगे चल के फेक साबित हुई, जिससे इस पूरे मूवमेंट की क्रेडिबिलिटी को बहुत ठेस पहुंची। क्या आपको लगता है कि मीटू मूवमेंट के आने के बाद इंडिया में क्या वर्कप्लेसेस जो हैं वो महिलाओं के लिए थोड़े बेहतर हो गए हैं, अब क्या कुछ हालात बदले हैं मीटू मूवमेंट के आने के बाद? देखिए भारत में मेरा मानना है कि बहुत कम बदल पाई हैं, बदला सिर्फ इतना है कि शायद महिलाओं को लगने लगा है कि अगर हम कुछ कहेंगे तो हमारे साथ कुछ लोग हैं जो आएंगे, कुछ लोग होंगे जो हमारा साथ देंगे, हमें हम एकदम अकेले शायद नहीं होंगे। मुझे फर्क इस चीज से पड़ता है कि ये गलत हुआ है इसको स्वीकार किया जाए, ये गलत हुआ और उस गलती से एक घाव लगा है, जिस घाव को भरने के लिए पहला कदम ये है कि वो स्वीकार तो किया जाए, समाज स्वीकार करे कि ये गलत हुआ। ये नहीं होता, हमारा फोकस रहता है कि एक दो केसेस में हम कैसे किसी को सूली पर चढ़ा दें, कैसे किसी को फांसी चढ़ा दें और उसके बाद हम लोग खुश हो जाते हैं, आह हो गया फांसी हो गई ना किसी को, बस। अरे आपके भाई आपके मित्र आपके दोस्त आज भी डेली शोषण करते हैं किसी का, वो मैं कहने आऊं आपको तो हम लोग कान बंद कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते, ना 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 वो लड़की का ही कोई ना कोई गुनाह होगा बस। तो एक तरह से ये अभी तक बदला नहीं है, सॉरी लेकिन दूर दूर से बदला नहीं है भारत में। अभी भी जो है विक्टिम ब्लेमिंग की वो अभी भी सत्ता में बैठे हुए लोगों को बचाना ऐसे मामलों में अभी भी महिला को एक तरह से हम कटघरे में खड़ा करते हैं, सूली पे चढ़ाते हैं सबसे ज्यादा। दरअसल सच ये है जिन मुद्दों के लिए या जिन मुद्दों पर फेमिनिस्ट लड़ते हैं वो अभी भी हमारे देश में उतने ही गहरे हैं जितने कुछ सालों पहले हुआ करते थे। देखिए ऐसा हो सकता है कि कई सारे फेमिनिस्ट लोगों से आपके डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस हों, लेकिन जिन मुद्दों के लिए ये फेमिनिस्ट लड़ते हैं वो आज भी हमारे देश में उतने ही गहरे हैं जितने कुछ सालों पहले हुआ करते थे। अगर हम अपने देश में अभी समाज में महिलाओं की स्थिति की बात करें तो वो काफी ज्यादा खराब है। हमारे देश में एक महिला एक पुरुष के मुकाबले लगभग 2.5 गुना ज्यादा अनपेड लेबर करती है। जेंडर गैप की बात करें तो हमारे देश को अभी बहुत तरक्की करने की जरूरत है, और महिला सुरक्षा की तो आप बात ही मत कीजिए, हमारे देश में हर 13 मिनट में एक लड़की का बलात्कार होता है, ये फैक्ट है। देखिए इस बात से तो सब अग्री करेंगे कि हमारे देश में लड़की होना एक आसान काम नहीं है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बेसिक ह्यूमन राइट्स भी देने के लिए हमें कैंपेन्स चलाने पड़ते हैं, उनका नाम रखना पड़ता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये महिलाओं की समाज में खराब स्थिति का जीता जागता सबूत है। अरे तो अब जो है सो है, वो तो समाज की रीति है, उसमें हम लोग क्या करें। ऐसे में समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सबसे आसान जो काम होता है जो हर कोई कर सकता है वो ये है कि कम से कम हम उनके एक्सपीरियंसेस को सुने समझें और थोड़ा सा कंपैशन रखें। हाउ कैन द मेन इन द सोसाइटी लाइक मेक चेंजेस इन देमसेल्व्स और लाइक व्हाट रोल दे कैन प्ले इन द सोसाइटी, वो क्या कर सकते हैं जिससे महिलाओं के लिए समाज एक और बेहतर जगह बन सके? ये मैं कहूंगी हमारी सोसाइटी में जरूर कि अगर आप पुरुष हैं, आपको लगता है कि महिलाओं के साथ गलत हो रहा है या आपको कहीं लगता है कि शायद गलत हो रहा हो, मैं थोड़ा सा और जान लूं, तो मैं आपको एनकरेज करूंगी कि दूसरे पुरुषों से जरूर बात करें।
महिलाओं को जाके मत बताइए कि वो अपनी लड़ाई कैसे लड़े. हाउ टू मेक द वर्ल्ड अ लिटिल बेटर फॉर वुमेन सो दैट पीपल अराउंड यू लिसन अ लिटिल मोर टू वुमेन. थोड़ा सा और महिलाओं को सुने, थोड़ा सा और काइंडनेस महिलाओं की ओर हो जाए. बहुत है वो आपको नारीवादी पूरी कोई थियोरी पढ़ने की और सलामी लगाने की कोई जरूरत नहीं. लेकिन आप वहां से शुरू करिए, सुनने से शुरू करिए और अपने जैसे लोगों को समझाने से शुरू करिए. देखिए फेमिनिज्म एक काफी ज्यादा डिबेटेड टॉपिक है, कम से कम हमारी जनरेशन के लिए. तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली है, कुछ सीखने को मिला है फेमिनिज्म के बारे में, और आपके ऐसे कोई दोस्त लोग हैं जो आप चाहते हैं कि फेमिनिज्म के बारे में कुछ सीखे, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए. अगर आप चाहते हैं कि आप फेमिनिज्म के बारे में और पढ़ें, तो एक किताब है जो कविता कृष्णन जी द्वारा लिखी गई है, जिनका मैंने इस वीडियो के दौरान इंटरव्यू किया था, फियरलेस फ्रीडम, आप ये पढ़ सकते हैं. इस किताब का लिंक है और कई सारे और लिंक्स हैं जो कविता कृष्णन जी ने सजेस्ट किए हैं, वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकता हूं. आप जाके प्लीज इसके बारे में और पढ़ सकते हैं. और मेरा काम अगर आपको पसंद आया तो आप पेट्रियन पर जाके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं. मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक ये अपना ख्याल रखिए.